कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। देश में अब तक 4 मामलों की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन के बाद देश में तीसरी लहर को लेकर खतरा बढ़ गया है। इस बीच आईआईटी कानपुर की कोरोना को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि देश में तीसरी लहर जनवरी में शुरू हो जाएगी और फरवरी में लहर अपने पीक पर पहुंचेगी। हालांकि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम घातक होगी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अपनी प्रारंभिक स्टडी जारी की है। स्टडी के मुताबिक अब तक जितने भी केस स्टडी सामने आई हैं, उनमें संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन बहुत अधिक घातक नहीं मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर माह में ही तीसरी लहर को लेकर जो आकलन किया गया था, वो अब सच साबित होता दिख रहा है। कई देशों में फैलने के बाद भारत में भी ओमिक्रॉन के केस मिलने शुरू हो गए हैं। प्रोफेसर अग्रवाल की ये रिपोर्ट उस आशंका को बल दे रही है, जिसमें देश में तीसरी लहर का खतरा तमाम एक्सपर्ट्स बता चुके हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देश के 6 राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने उन सभी 6 राज्यों को अलर्ट भेजा है। तीसरी लहर के लिए सबसे बड़ी वजह विदेशों से आने वाले यात्री हो सकते हैं। इनमें भी वो जो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने सारे कॉन्टैक्ट बंद कर रहे हैं। अब तक 5 राज्यों में विदेशों से आए 586 यात्री लापता हैं। इसे देखते हुए देश भर में एयरपोर्ट्स पर निगरानी और टेस्टिंग काउंटर बढ़ा दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।